सबसे पहले फ्री वॉइड डायग्राम बनाना हमने देखा स्मूथ सरफेसेस के एग्जांपल के जरिए, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशन जनरली स्मूथ सरफेस पे ही देखा, फिर फ्रिक्शन की बात करी, देन स्यूडो फोर्स। तो इससे पहले हमने जितना भी डिस्कशन किया, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे कंस्ट्रेंट वाला टॉपिक हो, फ्रिक्शन हो या स्यूडो फोर्स वाला टॉपिक, इन सब में एक बात कॉमन थी कि हमने फोर्स कांस्टेंट लिया था, एजेंट का फोर्स या किसी अरेंजमेंट में इन्वॉल्व होने वाला टेंशन, नॉर्मल एक्शन, कोई भी फोर्स था, एट अ टाइम वेरिएबल नहीं था। और अब हम वेरिएबल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फोर्स का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी फोर्स टाइम एक्स या वेलोसिटी के फंक्शन में होगा तो उसको कैसे डील किया जाएगा। यहाँ हम लोग स्प्रिंग एंड इम्पल्स का भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये डिस्कशन समझने के लिए हमें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पे कमांड होना चाहिए, जो कि हम लोग पिछले टॉपिक्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो ये डिस्कशन करने में कोई दिक्कत नहीं। सोचो ऐसा सीन है कि एक एम मास के ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगा है जो टाइम के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स है जो टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के साथ साथ फोर्स अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन एफ नेट अपॉन एम होता है, तो एक्सेलेरेशन भी टाइम का फंक्शन होगा। इसी तरह से फोर्स एस का फंक्शन होगा तो एक्सेलेरेशन भी एस का फंक्शन होगा, और अगर वेलोसिटी का फंक्शन है तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का फंक्शन आएगा, इसी ए इक्वल टू एफ नेट बाई एम की मदद से। और एक बार एक्सेलेरेशन टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, तो एक फंक्शन से बाकी दूसरे फंक्शन में पहुंचने के स्टेप्स क्या होते हैं, ये बात हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में करी थी। हम लोग जनरली इन छह तरह के फंक्शंस की बात किया करते थे, एस टाइम में, वी टाइम में, ए टाइम में, वी एस में, ए एस में, ए वी में। जनरली किसी एक फंक्शन से बाकी फंक्शन में पहुंचने के लिए हमारे पास दो टूल थे, वी के डेफिनेशन एंड ए के डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस को यूज करके एंड यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हम लोग किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पहुंच जाते थे। तो अब फिर से हमें इन्हीं टूल्स का यूज करना है, बट फॉर अ गिवन वेरिएबल फोर्स। नई बात यह है कि यहाँ फोर्स से शुरुआत होगी, वहां एक्सेलेरेशन से या वेलोसिटी से शुरुआत होती थी। तो हमें एक स्टेप और बढ़ा के चीजों को डील करना है, बस नई बात इतनी सी है। चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएंगी, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ।